और क्या क्या है। ये अपने गार्डन की सब्जी, फ्रेश सरसों, राई, मेथी, और ये सींचने हो रहे हैं, फूल लगे हुए हैं। और ये पेड़ जा रहा है, बीन्स का पेड़, फली छीमी वाला पेड़। स्ट्रॉबेरी है, ये बकेट में लगा रखी है, नीचे कीड़े लगते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत सारी है, ये कोने कोने पे लगा रखी है, नीचे मिट्टी लगती है, ख़राब हो जाते हैं। ये फ्रेश लहसुन है, इसके पत्ते गार्लिक है। ये स्ट्रॉबेरी नहीं लगाई, बेल बेल पे ही जड़ आ जाती है इसकी। ये छीमी का पेड़ है, इसमें 1-1.5 महीने में काफ़ी छीमी आएंगी। सींचने, ये छोटा सगड़ो है, इसमें राई और सरसों है। इसमें 5-6 दिन तो सब्जी खा चुके हैं, काफ़ी घना हो रहा है। राई और सरसों का एक छोटा सा बगीचा यहाँ भी है। कुछ फूल गए हैं, फूल आएंगे। ये मिंट है, रोज़ फ्रेश मिंट मिलता है अपने को। और इधर स्प्रिंग ऑनियन है, फ्रेश मिंट, स्प्रिंग ऑनियन। ये एप्पल का ट्री है और इसमें एप्पल लग चुके हैं। एक एप्पल का ट्री ये भी है, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा ट्री तो मैंने कभी देखा नहीं एप्पल का। एप्पल आते हैं पर इतने अच्छे एप्पल नहीं आते इसमें। स्ट्रॉबेरी ऐसे लगाते हैं जो कि इस पर कीड़े वीड़े न लगे, ज़मीन पे न लगे, स्ट्रॉबेरी लटकी रहे। ये दूर से दिखा रहा हूँ मैं खेत अपना, सगोड़ा गार्डन का। गुलाब के पौधे भी हैं कुछ इसमें, दूर से सारा सगोड़ा नज़र आ रहा है। ग्लास हाउस, ग्लास हाउस में भी छीमी लगा रखी है। ये एप्पल ट्री है, अभी छोटे छोटे हैं, अभी लगाए थे कुछ दिन पहले। और ये पेड़ ऐसा है कि कभी सूखता ही नहीं है, हरा हरा रहता है, चाहे बर्फ़ पड़े जो मर्जी हो, ऐसे ही रहता है। इसके फूल भी अच्छे आते हैं।